हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3 के लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपके 3 अंक के लिए आने वाले। तो 3 अंक के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में हमारे दिया गया है और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग पूरी तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। यदि आपको समझना है ना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते। दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो द्विघात समीकरण दिया है उसको हम लोग को सूत्र की सहायता से हल करना है। मतलब जो सूत्र विधि होती है, श्रीधराचार्य विधि होती है, उसके सहायता से हमें हल कर लेना है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप लोग कोई चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। कहाँ से मिलेगा उसका लिंक, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सभी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है किसकी, क्वेश्चन बैंक का, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रह सकते हैं। आपको 100% प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक क्वेश्चन की आंसर। तो देखो हमें इसमें क्या बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि भैया ये आखिर मूल की प्रकृति कैसी है, उस चीज को हमें बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से दिया करके लिखेंगे। दिया है हमें क्या, वर्ग समीकरण x की घात 2 - 4x + 4 = 0, ये हमें दिया हुआ। उसके बाद आप लोग लिखेंगे सिमिलरली, जैसे कि कल के क्वेश्चंस में हमने किए थे कि दिए गए वर्ग समीकरण, ठीक है, वर्ग समीकरण, या इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं आप लोग। तो द्विघात समीकरण लिखोगे तब भी चलेगा और वर्ग समीकरण लिखोगे तभी भी चल जाएगा, क्लियर है? तो दिए गए वर्ग समीकरण का क्या करना है आपको, x की घात 2 + bx + c = 0 से आपको क्या करना है भाई, तुलना कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से तुलना करने पर लिख लिए। अब तुलना करोगे तो आपको पता है इसके हिसाब से इन दोनों को मिला के देखोगे तो एक ही जगह कितना, यहां पर देखो x की घात 2, इसमें भी x की घात 2, इसमें भी है ना, तो इसके सामने का देखो यहां पर कुछ नहीं, मतलब एक, और यहां पर ए, तो ए का जो मान है वो कितना होगा, एक होगा। उसी तरह जो बी का मान होगा, देखो यहां पर 4x, यहां पर bx, तो बी का मान कितना होगा, -4 होगा। सिमिलरली सी की जगह पे देखो +4, इसमें +c, तो सी का जो मान है कितना होगा, 4 होगा। आया, अब आपको क्या करना है, यहां से विभेदक के सूत्र में रख देना है मान को, ठीक है? विभेदक d बराबर क्या होता है भाई, b का वर्ग -4ac, ठीक? तो d बराबर b का वर्ग रखना है, मतलब -4 का वर्ग -4 गुणा a का मान 1 और फिर से c का मान 4 हुआ। तो d बराबर देखो भाई यहां पर -4 का आपको क्या करना है, -4 का इस तरीके से -4 गुणित -4 दो बार गुणा कर देना, तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा। पहली बात ये फिक्स है, 4 × 16, तो यहां पर लिख दो 16 माइनस है तो माइनस, फिर इन तीनों का गुणा करो, 4 × 1 = 4, 4 और 4 × 4 = 16 फिर से 16 हो जाएगा। तो देखो d बराबर यहां 16 में 16 घट जाएगा तो आएगा 0। हमें तो d का मान नहीं निकालना है भाई, विभेदक का मान नहीं पूछे हमें क्या पूछे हैं, देख सकते हो प्रकृति, मूलों की जो प्रकृति वो आपको बताना है। तो हम लोग इसके हिसाब से मूलों की प्रकृति बता सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना आप लोग, ठीक है? लिखोगे अतः मूलों की प्रकृति क्या होगी, समान होगी, ठीक है? बस इतना आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि d का मान जब 0 आता है, जो मूलों की प्रकृति क्या होती है, समान होती है, ठीक है? इतना आपको करना है, फिर आपको 3 मार्क्स जो है मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है भाई, देख पा रहे होंगे आप लोग, द्विघात समीकरण 4 - 11x = 3x² को हल करना है, वो भी किस विधि से, सूत्र की सहायता से, मतलब जो हमारी श्रीधराचार्य विधि, उस विधि से हल करना है। तो चलो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, दिया करके लिखेंगे। सबसे पहले तो इस तरीके से क्या दिया है आपको, समीकरण 4 - 11x = 3x² ये दिया हुआ है। अब इसको देखो इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा दिखाना पड़ेगा इस तरीका से, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को उस साइड भेज दो, दोनों को उस साइड भेजेंगे तो देखो पहले से क्या, 3x² है। अगर मैं 11x को भेजूंगा -11x को, तो वो +11x बन के जाएगा। उसी तरह 4 को भेजेंगे, देखो 4 के सामने यहां पर प्लस साइन है ना, पीछे नहीं देखना है भाई,
सामने देखो इसके, चार के सामने कौन सी साइन है? प्लस साइन, कुछ नहीं है मतलब प्लस ही होती है, ठीक है? तो प्लस है तो वो माइनस चार बन के जाएगा, और इस साइड क्या बाकी रहेगा? सब तो उधर भेज दिए तो इस साइड जीरो बाकी रहेगा, इस तरीके से। अब देखो इसी फॉर्म पे आ गया है वो। अब ये बना हमारा द्विघात समीकरण। इसको क्या करना है, सूत्र की सहायता से आपको हल करना है। तो सिमिलरली इसके जैसे उसमें भी लिखना पड़ेगा, आपको तुलना करना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से दिए गए द्विघात समीकरण, ठीक है, जो समीकरण है उसका क्या करना है, एक्स की घात 2 + bx + c = 0 से आपको क्या कर देना है, तुलना करना है। तो देखो a का मान कितना आ जाएगा 3, B का मान 11 और C का मान जो है -4 आएगा, ठीक है? इतना करना है। फिर आपको सूत्र विधि आना चाहिए। आप यहां से लिखेंगे सूत्र से, सूत्र क्या होती है, x बराबर, ठीक, -b + -√b का वर्ग -4ac बटा में होती है 2a, ये होती है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में हर एक वैल्यू को रख दो, b का जहां पर b की जरूरत है b का रखो, a का जरूरत है वहां पर a का रखो, आपको आंसर आ जाएगा। आप लोग क्या करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दो, रोक लिए, अब आप लोग बना करके इसको देख लो, ठीक है? रोक करके बना के देखो, फिर इसके बाद जो मैं बनाऊंगा उसके हिसाब से आप लोग मैच कर लेना, आपको भी पता चलेगा वीडियो के साथ साथ तैयारी कैसी होती है करके, ठीक है? तो इसमें देखो एक्स तो एक से ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस बी की जगह पे देखो -11 + -√, ठीक, बी का वर्ग मतलब किसका वर्ग करना पड़ेगा, 11 का वर्ग -4, ए का मान रखेंगे 3 और सी का मान जो है -4, और पूरे की बटा में से 2 और ए का मान कितना है भाई 3। तो इस तरीके से आया यहां तक। अब देखो एक्स इक्वल टू -11 + -√, 11 का वर्ग कितना होगा 121, माइनस देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक होता है 16 इसका, या 4 3 12 और 12 चौक होती है 48। तो इस तरीके से आप उसको कर लेंगे, नीचे में हो जाएगा 2 3 हो जाएगा 6, ठीक। अब हम लोग बाकी क्वेश्चंस को यहां साइड पे देख लेते ताकि हमारे पास अच्छे से स्पेस जो है सफिशियंट। तो देखो इसके बाद आपको क्या करना है, हम लोग इस साइड देखते हैं उसको, एक्स दिया हुआ फिर से आपको लिख लेना उसी को, -11 + -√। देखो ये दोनों को 121 + 48 दोनों को जोड़ेंगे हमारा इस तरीके से, 121 और किसको 48 को भाई जोड़ दो आप लोग, ठीक है? तो 8 और 1 9, 4 और 2 6 है, और ये कितना हो रहा है 1, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 169, और नीचे में कितना होगा 6, कौन सा, ये वाली 6, ठीक है? अब देखो x इक्वल टू -11 + -, करड़ी 169 का जो मान होता है वो कितना होता है 13 होता है, 13 का वर्ग है इस तरीके से। तो ये ऐसा है तो ये और ये कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना लिख सकते हैं हम लोग 13 लिख सकते हैं। तो लिखो भाई 13 और ये नीचे में 6 इस तरीके से। देखो कई लोग को नहीं आया होगा, 13 × 13 करेंगे ऐसा, तो 3 3 9, 3 1 3, फिर से 1 3 3 और 1 1 1, तो 9 6 1, देखो उतना रहे ना, इसलिए हम लोग 13 वहां पर लिखे हैं। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, क्लियर है? अब x इक्वल टू देखो यहां पर हम लोग या तो क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहे, दो दो साइन है तो इसलिए यहां पर क्या करो, एक बार आपको प्लस चिन्ह ले लेना है इस तरीके से, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या लेना है आपको, माइनस चिन्ह लेने पर। ये रफ है, इसको रफ कर देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक हुआ? इस तरीके से करना है आपको। एक बार क्या लेना है, यहां पर देखो दो साइन है, प्लस और माइनस दोनों, तो एक बार प्लस ले रहे हैं इस साइड, तो एक्स इक्वल टू -11, इसको नहीं बदलेंगे भाई, हम लोग यहां के लिए लिखे दो साइन है तो वहां पर प्लस लेंगे, 13/6 इस तरीके से आया। तो एक्स इक्वल टू देखो दोनों में अलग अलग साइन है, एक के सामने माइनस और एक के सामने प्लस है, तब आप लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो 13 में 11 जाएगा तो बाकी रहेगा 2 और नीचे में 6 की 6। तो x इक्वल टू देखो 2 1 2 और 2 3 6, मतलब 1/3 इस तरीका से आपका आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली इस साइड भी काम करो, x इक्वल टू -11, यहां पर देखो माइनस लेना है तो उस बार हम लोग प्लस लिए थे, इस बार क्या लेंगे, -13/ कितना है 6 है तो 6 आया। तो x इक्वल टू देखो दोनों में सेम साइन है, एक चीज याद रखना आप लोग, अलग अलग साइन रहता है तब घटाते हैं, और सेम साइन हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा, देखो दोनों के सामने समान चिन्ह है ना,
तो आपको जोड़ना पड़ेगा, 13 और 11 को जोड़ दो तो आपका आंसर जो है इस तरीके से आ जाएगा 24। ठीक है, इस तरीके से जोड़ेंगे ना भाई इसको, 4 2 24, क्लियर। नीचे में 6 है तो 6 है तो एक्स इक्वल टू, कटता है तो कटा दो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 होता है 24, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 4, ये हो रहा है इसका आंसर। ये दोनों जो है इसकी क्या होगी, आंसर होगी। तो ये होगा श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि से कंप्लीट आंसर। अगर आप लोग को समझ आया तो भाई एक लाइक तो बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और भाई एक चीज और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर जितना शेयर करोगे तो उतना हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हेल्प कर पाएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही दो क्वेश्चन है जो आपका आएगा एग्जाम में। तो देखो इसमें हमारा के का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, जबकि समीकरण दिया हुआ है 2x^(-11x+k)=0 दिया हुआ है और इसके मूल वास्तविक व समान है करके बोल दिया। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ आपको लिखने पर ध्यान नहीं देना, आपको समझना भी है भाई, जो भी स्टेप मैं बता रहा हूं उसको समझना पड़ेगा। इसकी आंसर्स तो आपको उदाहरण से मिल जाएगा, क्योंकि 70% लगभग कहां से पिक किया गया क्वेश्चन, उदाहरण से उठाया गया, इन चीजों को समझो आप, है ना। तो इसलिए सिर्फ लिखने का काम नहीं, आपको समझना पड़ेगा, लिख लेना बाद में आराम से, अब बिना देखे लिखोगे ना तैयारी भी हो जाएगा। इसलिए अभी समझो, वीडियो को रोक लेना, फिर बिना देखे लिखने लिख करके एक बार देख लेना। ठीक, तो चलो देख लेते हैं इसका हल को कि क्या करना पड़ेगा। इसमें हमें दिया है करके लिखना पड़ेगा, दिया है उसको तो लिखेंगे ही, है ना। दिया क्या है हमें, 2x^(-10x+k)=0 इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें फिर से वही जो हम लोग पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो दिए गए द्विघात समीकरण का क्या करना है, आपको x^(2+bx+c)=0 से आपको क्या कर लेना है, कंपेयर करना है, मतलब तुलना करना है। तुलना करने पर इस तरीके से आप लोग बहुत ध्यान से लिख लेंगे, ठीक है। क्या होगा, a=2 और b = हो जाएगा -10 और c = हो जाएगा k, ये तो पता है ना। इसका और इसका तुलना करेंगे तो a की जगह पे 2 है इसलिए 2, b की जगह पे -10 है इसलिए -10 और c की जगह पे देखो क्या है k, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा k। अब देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हमें क्या बोल दिया है भाई, उस बात को हमें मानना पड़ेगा। प्रश्न में देखो कि मूल वास्तविक व समान है बोल रहे, हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे है क्वेश्चन नंबर किस पे, फर्स्ट पे, कि मूलों की प्रकृति निकालने वाला पे, वहां पर d का मान 0 आ रहा था तब हमने समान है करके लिखे। तो सिमिलरली उसी चीज को यहां एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, d = क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b^-4ac = फिर से 0 हो जाएगा ऐसा। ठीक, b का वर्ग करना मतलब किसका वर्ग करूंगा, -10^2 - 4, a का मान कितना है भाई 2 और c का मान है k = 0। ठीक, 10 का वर्ग मतलब 100 हो जाएगा, माइनस इन दोनों का गुणा करो 4 × 8 k = 0। हमें तो k का मान निकालना है इसलिए इस 100 को भेजेंगे तो -100 बन के जाएगा। इस तरीके से माइनस और माइनस कैंसल, तो फिर 8k = आपका 100 लिखेंगे इस तरीके से, तो k = 100/8। ठीक है, तो क्या इसी को आंसर ले सकते हैं, हाँ अगर आपको कटाना नहीं आता तब आप इसी को आंसर ले सकते हैं, लेकिन आपको कटाना आता है इस तरीके से तो आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 100/8 है, उसको इस तरीके से जैसे कि 4 × 8 कर सकते हैं, फिर 4 × 8 यहाँ पर 2 बाकी तो 20 हुआ, 4 × 5 = 20, तो इस तरीके से k = 25/2 भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतः k का मान 25/2 होगा, इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर। अब देखो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट आपकी एग्जाम्पल में दिया हुआ, इसको भी एग्जाम्पल में नहीं, आई थिंक ये एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल का है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हल करोगे तो मानना पड़ेगा, ठीक है, कैसे, इस तरीके से भाई कि माना x = ठीक है, क्या कर लेते हैं, 6 + 6 + 6 इस तरीके से, पूरे को हमने क्या मान लिया x, यहां पर देखो ये कंटिन्यू चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं था, ये चल रहा है, मतलब जितना करड़ी हम चाहे उतना ले सकते जरूरत के हिसाब से। तो उसमें से हमने कुछ जो है करड़ी है, उसके बदले क्या मान लिए हैं, x मान लिए, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे तब देखो क्या होगा,
एक्स इक्वल टू करड़ी छह, और बाकी को देखो, अगर इतना को मैं क्या मान रहा हूं एक्स, तो इतने की जगह हम इस तरीके से एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या कर लेना है यहां पर, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दो भाई, वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, और उस साइड क्या हो जाएगा, छह प्लस एक्स। बस हो, अब एक्स एक्स को एक साइड, बिना एक्स को एक साइड ले आओ, इस तरीके से एक्स की घात दो, सॉरी मतलब सबको एक ही साइड ले आओ, तो देखो एक्स को लाऊंगा तो माइनस एक्स बन के आएगा, और छह को लाऊंगा तो माइनस छह, उस साइड क्या बाकी रहेगा, जीरो। अब ये हमारा बना है क्या भाई, द्विघात समीकरण, इस तरीके से वर्ग समीकरण बन गया। आपको अब जो भी विधि आती है उस विधि से इसको हल कर सकते हैं, जो भी विधि, मतलब आपको क्या समझ रहे हो, जैसे कि आपको पूर्ण वर्ग विधि आती है तो उससे कर सकते हो, श्रीधराचार्य विधि आती है तो उससे कर सकते हो, या मध्य पद तोड़ने वाला विधि आता है तो आप उससे भी कर सकते हो, क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे तोड़ सकते हैं। हमने मध्य पद तोड़ने वाले से करते हैं, वो बहुत आसानी से बनेगा, कम टाइम में बनेगा। देखो लास्ट वाले का ऐसे पहले के साथ गुणा करेंगे तो छह एक कम छह हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्या सोचो, जिस दो संख्या सोचो जिसका गुणा करने से छह आ जाए, गुणा करने से ना, और उसको जोड़ने या घटाते हैं तब कितना आ जाए, यहाँ पर कितना है सामने में, कुछ नहीं मतलब एक, तो एक आ जाए, तो क्या लेंगे भाई, तीन दूनी होती है छह, तीन में दो घटा दूंगा बाकी रहेगा एक। तो इस तरीके से लिखेंगे एक्स की घात दो माइनस तीन माइनस दो, और ये एक्स है तो एक्स माइनस छह बराबर जीरो। फिर एक्स की घात दो माइनस एक्स का गुणा करते जाओ तो तीन एक्स, ये प्लस बन जाएगा, क्यों, बाहर में माइनस मतलब अंदर का चेन बदलेगा, ठीक है। तो दो एक्स माइनस छह बराबर जीरो, ठीक। अब ये एक जोड़ी हुआ, ये एक जोड़ी हुआ, इसमें इस कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों साइड से एक्स, तो क्या बाकी रहेगा, एक्स माइनस तीन, यहां पर प्लस है तो प्लस। अब यहां से ऐसी चीज बाहर निकालना होता है कि यहां जितना है उतना ही वहां पर भी बाकी रहे, तो देखो यहां पर सिर्फ एक्स की जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, दो की। तो आप लोग दो को निकाल दो और उसको लिख दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। तो फिर एक्स माइनस तीन बराबर, ऐसे कॉमन ले लेंगे इसी को, ब्रैकेट को, तो क्या बाकी रहेगा, यहाँ का एक्स, यहाँ का प्लस दो बराबर में जीरो, इस तरीके। क्लियर, आगे और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। एक बार हम लोग एक्स माइनस तीन बराबर जीरो लिखेंगे, और एक बार एक्स प्लस दो बराबर जीरो लिखेंगे, तो एक्स बराबर एक बार तीन आएगा आंसर, और यहां पर एक्स बराबर माइनस दो आएगा, इस तरीका से हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको हल करना है भाई, और टाइम बहुत कम है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार हम तक पहुंचते रहे। और आपको क्या करना है, आप एज ए सपोर्ट आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर सकते ताकि बाकी बच्चों का भी, अब आपके बाकी दोस्तों का भी क्या हो पाए, हेल्प हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और कौन सी वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर डाउट रहता है तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है।